जी और रेलवे प्रशासन की संयुक्त टीम ने लगभग 80 ट्रेनें और 74 रेलवे स्टेशन पर खाने का पूरी तरह से निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला खाना खाने लायक नहीं है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है, रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला खाना खाने लायक है या नहीं। जी क्या नाम है आपका? उमा जैन। हमने एक दो बार कुछ चीज़ें ली थी लेकिन वो इतनी ऑयली भी थी, फ्रेश भी नहीं थी और खाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी हमें, तो इसलिए खाने लायक तो नहीं है, एवरेज है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ से जो उन्होंने खाना खाया था रेलवे स्टेशन पे, जो खाना खाया तो वो साफ नहीं थी, खाने लायक नहीं थी। हमारे साथ और लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी इस पूरे मामले पे क्या राय है, ये खाना खाने लायक है या नहीं है। मतलब फ्रीली कोई इसको खा नहीं सकता, मतलब जैसे यहाँ का पानी भी साफ नहीं है, आरओ वगैरह का पानी भी जैसे बोला हुआ है कि बहुत साफ है लेकिन वो टेस्ट करने पे काफी उसमें पेट दर्द वगैरह हो जाता है, मतलब इतना साफ पानी नहीं है जैसे आरओ का होना चाहिए। बिल्कुल, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि रेलवे स्टेशन परिसर में मिलने वाला खानी बोतल में पैक मिलने वाला पानी बिल्कुल खाने और पीने लायक नहीं है। यही कारण है कि रेल से यात्रा करने वाले अधिकतर लोग बाहर से खाना लेके आते हैं, अपने घर से खाना लेके आते हैं और रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद खाना खाने से बचते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में जिस तरह से खाने के बारे में रिपोर्ट दर्ज दी गई है, जिसमें बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला खाना खाने लायक नहीं है। सैयद शकील, APN, आगरा।